नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहिन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के मुखिया और गृह मंत्री ने कोविड 19 का टीका लगवा, प्रदेशवासियों से की टीका लगवाने की अपील। नक्सलियों द्वारा अपहरित जवान, छठवें दिन रिहा, सरकार की मध्यस्थता टीम रिहा करवाने में रही कामयाब। दुर्ग जिले में कोरोना बरपा रहा कहर, दिनों दिन बढ़ता जा रहा मौत का आंकड़ा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए माई एफएम को लेकर आया है इंडियन करोड़पति लीग सीजन 2। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुखिया ने शुक्रवार को कोरोना रोको और टोको का शपथ ग्रहण करते हुए कोविड 19 का टीका रायपुर में लगवाया। इस अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने इसे रोकने के लिए 600 सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक टीम तैयार की है, जो कि कोरोना के प्रभाव को प्रदेशवासियों को समझाते हुए उसको बचाव का भी तरीका बताएंगे। वहीं जो लोग शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे उसे ये वॉलंटियर टोकेंगे भी। कोरोना रोको और टोको के तहत प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने शपथ भी ली और अन्य लोगों को भी इससे लड़ने की शपथ दिलाई। मैं भूपेश बघेल यह शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं कोविड 19 टीकाकरण के प्रति सजग रहूंगा, कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन करूंगा और परिवार और समाज के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करूंगा। यदि कोई भी व्यक्ति सुरक्षा उपायों को अपनाने में लापरवाही बरतता है, ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हमें उन्हें रोकना है, टोकना है और सजग करना है। समाज में मेरे आसपास कोई भी कोविड 19 टीकाकरण से वंचित न रहे, यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का निष्ठा पूर्वक वहन करूंगा। संपूर्ण टीकाकरण की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे छत्तीसगढ़ को स्वस्थ एवं कोरोना मुक्त बनाने में मददगार साबित होगा। रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचकर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने कोविड 19 का टीका भी लगवाया। इस अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी सपत्नी कोविड का टीका लगवाया। सामाजिक संगठनों के द्वारा 600 वॉलंटियर तैयार किए गए हैं, जिसके माध्यम से कोरोना को रोकने के लिए रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें वॉलंटियर्स और ई रिक्शा के माध्यम से लोग घर घर जाएंगे, समझाएंगे कि किस प्रकार से अभी जो सेकंड फेज जो कोरोना आया है उससे बचने के उपाय भी बताए जाएंगे और उसे जो लोग नहीं मानते उसे टोकने का काम, कोरोना को रोकने का काम और लोग जो नहीं मान रहे हैं उसे टोकने का काम, ये दोनों काम एक साथ चलेगा। और इस कार्यक्रम के लिए यूनिसेफ, जिला प्रशासन और सभी सामाजिक संगठनों को जो भागीदार बन रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा काम आपने आज शुरुआत की। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में कोविड 19 का पहला डोज लेने के अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, स्वास्थ्य विभाग की अपर सचिव रेणु जी पिल्ले, राष्ट्रीय मिशन के संचालक डॉक्टर प्रियांशु शुक्ला, चिकित्सा विभाग के संचालक डॉक्टर आर के सिंह, कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव, रायपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर विष्णु दत्त, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अस्पताल के डॉक्टर विनीत जैन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल भी मौजूद थी। दोनों परिवार जो हमारा है कोई परेशानी नहीं है किसी भी प्रकार से। सबसे निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक इसका लाभ लें और इसके बाद सावधानी भी बरतें। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से टीकाकरण के साथ साथ शासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कोविड वैक्सीनेशन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। ग्रैंड न्यूज के लिए संतोष तिवारी की रिपोर्ट।
बीजापुर के बासागुड़ा में 3 अप्रैल को हुए नक्सली हमले के बाद अपहरित जवान राकेश्वर मनहास को 8 अप्रैल की शाम नक्सलियों ने रिहा कर दिया। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल क्षेत्र बीजापुर के बासागुड़ा में 3 अप्रैल को नक्सली मुठभेड़ में भारतीय सेना के 23 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। वहीं सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के एक जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सली अपने साथ ले गए थे। नक्सलियों ने दूसरे दिन जवान राकेश्वर के अपहरण की जानकारी देते हुए सरकार से मध्यस्थता करने पर सकुशल वापस छोड़ने की बात कही थी। 8 अप्रैल को नक्सलियों ने सुकमा के जंगल में चौपाल लगाई और उस चौपाल में ग्रामीणों से चर्चा कर जवान को रिहा कर दिया। सरकार द्वारा गठित मध्यस्थता टीम में पद्मश्री धर्मपाल सिंह सैनी, गोंडवाना समाज के तेलम बरैया, गोंडवाना समाज की उपाध्यक्ष सुकमती अक्का, रिटायर्ड शिक्षक रुद्र खरे सहित पत्रकारों की अहम भूमिका रही। ग्रैंड न्यूज के लिए संतोष तिवारी की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में कोरोना इस बार मौत का कहर बनकर आया है। प्रतिदिन मौत के बढ़ते आंकड़ों ने प्रशासन की पेशानी पर बल डाल दिया है। मर्चुरी से लेकर मुक्ति धामों में शव रखने की और न ही जलाने की जगह बची है। आइए देखते हैं ग्रैंड न्यूज के साथ ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में मौत का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन का तीसरा दिन गुरुवार और जिला अस्पताल की मर्चुरी से लेकर मुक्ति धाम का सफर कोरोना के कहर से गुलजार रहा। यदि हम बात करें आंकड़ों की तो आंकड़ा मौतों का 100 से ऊपर ही जा रहा है। जिला चिकित्सालय की मर्चुरी में जहां एक ओर लाश रखने की जगह नहीं रही तो दूसरी ओर दुर्ग महमरा एनिकेट स्थित शिवनाथ मुक्ति धाम का भी यही हाल था। मुक्ति धाम के अंदर कोरोना मरीजों का शव जलाया जा रहा था तो मुक्ति धाम के बाहर नॉर्मल शव को मुखाग्नि दी गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो प्रतिदिन 30 से 35 लाशें कोरोना मरीजों की जलाई जा रही है। वहीं बाहर नदी किनारे 8 से 10 शव सामान्य जल रहे हैं। अभी तक मतलब डेली कितनी 20-25 जल रही है डेली लाशें? 25 के ऊपर ही जा रहा है। बाहर छोड़ के, बाहर का छोड़ के बाहर कितनी लाशें जल रही हैं? और लगभग कल तो 30-35 बारी कल जला हुआ है। रात 9 बजे तक के जलाया है। कल रात 9 बजे तक 35 बारी जली है, सब कोरोना की है। कोरोना बारी यहाँ नॉर्मल नीचे जला रहे हैं, जितने भी कोरोना बॉडी सब यही अंदर ही जल रहे हैं। अब डेली देखते हैं, डेली 30-35 बॉडी जल रही है। मतलब 15-20 तो बिल्कुल आ जाए अभी कहीं। 15 कल रात के 9 बजे तक जली 35 बॉडी। हाँ 30-35 बॉडी जला रात में। मैं तो शाम को था तो कम से कम 25-30 बॉडी आई गए थे। लाशों के मंजर से भिलाई का रामनगर मुक्ति धाम भी अछूता नहीं है। यहाँ पर शवों को जलाने का कार्य कर रहे शंकर लाल साहू का कहना है कि 25 साल की नौकरी में उसने इतनी तबाही का मंजर नहीं देखा। कोविड मरीज की प्रतिदिन 40 से 45 लाशें यहाँ पर जलाई जा रही है। वहीं सामान्य शवों की गिनती भी 15 से 20 के आंकड़ों को पार करती है। यहाँ मोला 25 साल से ज़्यादा हो गए डेड बॉडी जला और अटका डेड बॉडी आज तक ले कभी नहीं देख रहे हैं। नॉर्मल बॉडी है 25-30-35 रोज के आते और देखा था छमर सेफ्टी का है तिला कोविड वाले बहुत ज़्यादा आ दिया 40-45-50 बहुत ज़्यादा हो जाओ थे। नॉर्मल भी कभी अतका नहीं आ रही से जब तक न अभी आते वो में भी कोविड है। नॉर्मल में बहुत ज़्यादा कोविड है। शाम तक कितना बॉडी चल जाते हैं? 60-70 बॉडी सवेरे से शाम तक चल जाते। लॉकडाउन के तीसरे दिन भी हालात पूरी तरह से बेकाबू हैं। शासकीय अस्पतालों में कोविड जांच के लिए लोग सुबह 3:30 बजे से लाइन लगा रहे हैं तो जांच नहीं हो पा रही है। लाशों के ढेर का मंजर मर्चुरी से लेकर मुक्तिधामों तक दिखाई दे रहा है। बुधवार को शवों का आंकड़ा 100 था तो गुरुवार को ये आंकड़ा पार हो गया। मानो कोरोना नामक यमराज लाशों के ढेरों का आंकड़ा बनाना चाहता है। आज ये कैसा दिन आ गया है कि लोग जिस गंगा जल और तुलसी दल को अपनों के मुख में रखकर अंतिम विदाई देते थे वो भी नसीब नहीं हो पा रहा है। किसी खुश नसीब ने पीपी किट खरीद कर अपने परिजनों को मुखाग्नि दे दी तो उसका नसीब है, नहीं तो सैकड़ों लाशें शासन की गाइडलाइन के तहत निगम के कर्मचारी ही उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। दुर्ग जिले में कोरोना का कहर एक महामारी नहीं
एक लोगों की भयानक मौत बन के उभरा है। आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है, तीसरे दिन हम देख रहे हैं दुर्ग मुक्ति धाम में खड़े हैं, यहाँ पर प्रतिदिन 30 से 35 लाशें जलाई जा रही हैं। यही हाल भिलाई रामनगर मुक्ति धाम का है, वहाँ पर भी प्रतिदिन 40 से 45 लाशें कोरोना पेशेंट की जलाई जा रही हैं। इसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और लोग शासन की गाइडलाइन का पालन करना दूर, शासन की गाइडलाइन की उल्लंघन करते हुए अपने घरों से बाहर निकलते हैं और मुस्कुराते हैं। लेकिन ये मुस्कुराहट देखिए इन कोरोना पेशेंटों के परिवार वालों की, जो आज अपने परिवार की लाशें भी नहीं जला पा रहे हैं। लाशों का अंतिम संस्कार शासन कर रहा है। शासन की गाइडलाइन का पालन करिए और सैनिटाइज करिए, मास्क लगाइए, अपने घर से बाहर मत निकलिए बिना वजह। आज कोरोना ने दुर्ग जिले के अंदर अपने इतने भयानक पैर पसार रखे हैं कि प्रतिदिन मौतों का आंकड़ा 100 छू रहा है, और इस 100 के आंकड़े में कौन कब कहां निपट जाए कोई नहीं कह सकता। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने 93.4 माई FM के इंडियन करोड़पति लीग सीजन 2 का लॉन्च किया। उन्होंने सीजन 2 के पोस्टर अनवेलिंग सेरेमनी के मौके पर माई FM के कार्यों की सराहना की। इस सीजन के विजेता को हवाई सफर करने का मौका मिलेगा। देश में IPL सीजन 14 कल से शुरू होने वाला है। इसके साथ ही 93.4 माई FM इंडियन करोड़पति लीग सीजन 2 लेकर आया है। इस सीजन के पोस्टर अनवेलिंग सेरेमनी में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने शामिल होकर लॉन्च किया। लॉन्चिंग से पहले श्री होरा ने माई FM अपना संदेश भी रिकॉर्ड करवाया। पोस्टर लॉन्चिंग के मौके पर महासचिव होरा ने कहा कि माई FM यह एक बड़ा प्रयास है। देश आज कोरोना काल से जूझ रहा है, ऐसे समय में ही घर पर ही सबका मनोरंजन होगा। लोग घरों से ही यह गेम खेलकर विजेता बनेंगे। कौन से टीम के खिलाड़ी कैसा जलवा दिखाएंगे यह पहले ही लोगों को पता चल जाएगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने इंडियन करोड़पति लीग लॉन्च किया, जिसके टाइटल स्पॉन्सर रामा मोटो कॉर्प, टाटा ट्रक्स और बस की नई डीलरशिप, एसोसिएट स्पॉन्सर महाचक्र टैंक्स एवं पाइप्स, प्रोजेक्ट बाय लिंक प्रॉपर्टी डेवलपर्स लिमिटेड है। लॉन्च के बाद RJ अनिमेश ने कहा कि सीजन के दौरान माई FM के श्रोताओं के लिए सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए भी विजेता बनने का मौका मिलेगा। हम जानते हैं कि क्रिकेट को इंडिया में बहुत सेलिब्रेट किया जाता है और माई FM भी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनता है। खुशियां जो क्रिकेट के ज़रिए पहुंचती हैं वो अपने लिसनर्स तक पहुंचाना चाहता है, इसलिए हम इंडियन करोड़पति लीग सीज़न 2 लेकर आए हैं। यहां पर हमारे लिसनर्स क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, क्रिकेट की सारी बारीकियाँ हम उन तक शेयर करते हैं रेडियो पर, और कॉन्टेस्ट होते हैं जिनमें वो बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। कोई एक ऐसा सपना हम चुनते हैं जो हम सभी के दिल में होता है, हम कोशिश करते हैं कि वो पूरा हो जाए लेकिन उससे दूर रह जाते हैं। जैसे इस बार जो इंडियन करोड़पति लीग है उसमें हमारे लिसनर्स को मौका मिलेगा कि वो एक चार्टर्ड फ्लाइट जीत सकें, अपना एक हवाई जहाज़ जिसमें अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करने का मौका मिले, ये सपना सच हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब मिल के साथ में खेलते हैं, डिसिप्लिन से खेलते हैं और ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। कैसे खेलेंगे इसमें? रेडियो में हमारे जो चार शोज़ होते हैं उसमें हमारे जो चारों RJs होते हैं, मैं, RJ अनिमेश, RJ नेहा, RJ अर्जुन और RJ अंजनी, हम हमारे लिसनर से सवाल करते हैं, वो वहाँ पर जवाब दे सकते हैं। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर लोग हमसे जुड़ते हैं, वहाँ पर जवाब दे सकते हैं और उन जवाबों के जरिए वो विजेता बन सकते हैं। वक्त है एक ब्रेक का, अब देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।
सफारी। बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवापारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोमिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ दो यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ चार वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Barat Swagat, including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सीटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्पात नगरी के सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल की हालत बदतर हो गई है। कोविड जांच के लिए पहुंचे मरीजों से अभद्र व्यवहार करना और अलग से पैसे लेकर पीछे के दरवाजे से जांच करना यहां का पेशा बन गया है। सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल में हो रही कोविड जाँच को लेकर हो रही धांधली के बारे में ग्रैंड न्यूज ने पूर्व में ही आग्रह किया था। गुरुवार को कोविड जाँच के लिए सब परिवार पहुंचे नियाज अहमद ने इसकी पुष्टि करते हुए जांच कर रही टीम पर पैसा लेने का आरोप लगाकर हमारी खबरों पर सत्यता की मुहर लगा दी।
यह वाकया है गुरुवार की सुबह सुपेला शासकीय अस्पताल का, जहां पर नियाज अहमद अपने परिवार की कोविड जांच कराने पहुंचा था, लेकिन 2 घंटे से लाइन में खड़े नियाज का नंबर नहीं आया, बल्कि कोविड जांच सेंटर में पीछे से आए लोगों और स्पर्श हॉस्पिटल के वाहन में आए मरीज की जांच हो गई। उससे मैंने अभी नाम पूछा है, मेरे सामने एक आदमी आया था, उसके जेब में पैसा रखा है, अब वो 500 है क्या 200 है 400, मैंने तो देखा नहीं, मेरे सामने रखा है। वो अंदर जाता है और एक जो यहाँ मेरे ख्याल से सिक्योरिटी गार्ड है, सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी अपना वहाँ बैठ के रजिस्ट्रेशन कर रहा है और रजिस्ट्रेशन इतना स्लो हो रहा है कि बता नहीं सकते। उसमें पूरे जो रजिस्ट्रेशन स्टाफ है वो पैसा लेके बाहर के लोगों को टेस्ट कर रहा है। हाँ, बाहर से मैंने अपने आंखों के सामने से देखा है, स्पर्श की गाड़ी आई थी उनका पहले हुआ है टेस्ट। हुआ ये है कि जितनी भी प्राइवेट गाड़ी सीधा अंदर आ रही है, लोग अंदर से पूरा चेक करवा रहे हैं कोरोना पेशेंट लोग को ला के। और बाकी मैडम से बोलने से, मैडम एक लड़की 3 घंटे से लाइन लगा के रखी जहाँ की वहाँ है, और जितने लोग हैं यहाँ कोरोना पेशेंट लोग हैं जो लाइन लगा के खड़े हैं, कुछ लेडीज चक्कर खा के गिर गई हैं, उनको कुछ केयरलेस नहीं किया, अंदर जाओ बोलते हैं। मैडम से बात करो तो अरतुरी से बात कर रही है, बदतमीजी बात कर रही है, तू कौन है, क्या है, ये है वो है, इस प्रकार का काम चल रहा है। करीब 9 बजे से जहाँ चलूँ कि हम 10 बजे से आके भी लाइन है जहाँ का वहाँ है, मेरी बेटी भी लाइन में है, वो भी कोरोना पेशेंट। एक अकेला नियाज अहमद ही नहीं बल्कि वहां पर सुबह से लाइन लगाए राजू सिंह जैसे सैकड़ों आमजनों का नंबर नहीं आया था, बल्कि पीछे दरवाजे से जांच का रफ्तार शुरू था, क्योंकि वहां से गुलाबी परतों का खेल जो जारी था। लेकिन ना मैं टेस्ट कराया हूँ, रिपोर्ट बोले कि आधा घंटा पाएगा, लेकिन 1 घंटा हो गया, मेरे को सेकंड शिफ्ट ड्यूटी जाना है, मेरे को हॉस्पिटल जाना है, पूरा वहाँ पर अभी दूरी पेशेंट लोगों को सिलेंडर देना है, सिलेंडर नहीं दूंगा तो फिर पेशेंट लोगों को कहानी हो जाएगा, मेरे को सेकंड शिफ्ट ड्यूटी जाना है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया तो कैसे करूँगा बताओ। प्लांट वाले मेरे को फोन करके परेशान करेंगे कितने समय हम चीज क्या बोलूँ जाओ। गुलाबी परतों से लेकर कोविड जाँच के लिए पहुँचे मरीजों के साथ की जा रही अभद्रता को लेकर ग्रैंड न्यूज की टीम ने प्रभारी अधिकारी से चर्चा की तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए वस्तु स्थिति का पता लगाने की बात कही। हो सकता है ज्यादा भीड़ होने के कारण ऐसा हुआ होगा, फिर भी मैं जाके बात करता हूँ, ऐसा क्यों बात नहीं, ज्यादा भीड़ होने के कारण ऐसा हो तो बदतमीजी से बात करना कहाँ तक सही है? बदतमीजी से बात नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं जाँच के बाहर पेशेंट को पहले टेस्ट किया जा रहा है, लाइन में खड़े हुए जो आए हैं उनका टेस्ट नहीं किया जा रहा है, पहले खड़े उनका टेस्ट नहीं हो रहा अभी तक नहीं हुआ। नहीं, टेस्टिंग तो हो रही है, और रही बात सोशल डिस्टेंसिंग की, थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा होने से ऐसा हुआ होगा, फिर भी जाके देखता हूँ। कोई बदतमीजी से बात करे किसी से तो कहाँ तक सही है? नहीं, वो तो बहुत गलत है। स्वास्थ्य विभाग का आदमी है आपका, राजू नाम का, नंदू नाम का, उसने मेरे सामने एक आदमी ने उसके जेब में 500 रुपये रखा। अब पूछता हूँ, उससे बात करता हूँ, ऐसा क्यों किया, वो सब अपने आदमी लोग को काम करवा रहे हैं और कुछ नहीं। ये स्वयं बता रहे हैं कि इनका के सामने पैसा लिया गया, उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या कहना आप कहते हैं? मैं पता करूंगा ऐसा क्यों हुआ और कहां से लिया गया। और नंदू की ये बात पहले कई बार उठ चुकी है, नंदू से मैं बात करता हूँ, ऐसा हुआ कैसे, और ऐसा तो है ही नहीं, सारा चीज़ निःशुल्क। सरकार कोरोना टेस्ट से लेकर कोरोना वैक्सीनेशन मुफ्त में कर रही है, वहीं शासकीय अस्पतालों में कोविड मरीजों का इलाज भी की है, लेकिन कोविड टेस्ट के नाम से सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय में पैसा क्यों लिया जा रहा है, वो भी उस समय जब जिलों में कोरोना से लाशों का ढेर लग रहा है। क्या मानवता यहां पर भी आकर मरसी गई है, या फिर प्रशासन के नुमाइंदे इन 3 बंदरों की स्थिति बयां कर रहे हैं? ना बुरा देखूंगा, ना बुरा सुनूंगा और ना बुरा कहूंगा, शायद इनकी नींद टूटने तक लाशों का आंकड़ा आम जनता को कुछ और ही बयां करने पर मजबूर ना कर दे। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन लगने के पहले जिलाधीश ने सख्त आदेश दिया था कि कोई भी दुकानदार प्रिंट रेट से अधिक का माल नहीं बेचेगा, लेकिन खंडेलवाल किराना दुकान के संचालक ने जिलाधीश के आदेशों को भी धत्ता बताते हुए पत्रकारों से भी डबल दाम वसूले। दुर्ग जिले के जिलाधीश ने जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक 9 दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा की। घोषणा के साथ ये भी फरमान जारी किया कि कोई भी दुकानदार प्रिंट रेट से अधिक का सामान बेचता हुआ पाया गया तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
लेकिन 5 अप्रैल की शाम सुपेला स्थित खंडेलवाल किराना स्टोर्स में सफोला गोल्ड खाद्य तेल के 1 लीटर के पाउच पर अंकित मूल्य 139 रुपये की जगह 170 रुपये के हिसाब से 2 लीटर का 340 रुपये वसूल लिया। जब ग्रैंड न्यूज़ की टीम ने खंडेलवाल किराना स्टोर्स पहुंचकर उक्त संबंध में चर्चा की तो पहले दुकानदार संचालक ने अपनी गलती न मानते हुए उल्टा धौंस दिखाया। सच्चाई सामने आने पर फ़ोन पर भी बात करवाई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो 2 पाउच पर अंकित मूल्य के हिसाब से पैसे काट कर बाकी पैसे वापस किया। कई लोग सामान लेने के बाद दुकानदार के द्वारा लिए गए पैसों का हिसाब ही नहीं करते, शायद ये सोचकर कि दुकानदार गलत मान जाएगा। लेकिन आप अपने दिए गए पैसों का हिसाब करिए, क्योंकि प्रिंट रेट से लगभग 10-15% की मार्जिन में इन दुकानों में खाद्य सामग्री डीलरों द्वारा पहुंचाई जाती है। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। लॉकडाउन में गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रही कल्याण सेवा जन जागृति संगठन भोजन के पैकेट बांट रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुर्ग जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में दूसरों के दिए खाने से अपना जीवन जीने वालों के लिए खाने की समस्या हो गई है। साथ ही होम क्वारंटाइन हो गए लोगों की भी खाने की समस्या को देखते हुए उनको और उनके परिवारों के सदस्यों को भी खाने के पैकेट का वितरण किया जा रहा है। कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के लोग जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण कर पुण्य का कार्य कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण का वायरस के चलते लॉकडाउन किया गया और लॉकडाउन के परिस्थिति में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं रहने के कारण उनको खाने की परेशानियां हो रही थी। यहां तक कि जो लोग कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाए जाने के कारण क्वारंटाइन होने के चलते उन्हें भी प्रशासन द्वारा खाने की व्यवस्था नहीं उपलब्ध करवाया जा रहा था, जिसके संबंध में ग्रैंड न्यूज़ द्वारा एक खबर प्रकाशित किया गया था। उस खबर को देखने के उपरांत हमारी संस्था के द्वारा अपने शक्ति अनुसार उन लोगों तक जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जैसे कि पावर हाउस बस स्टैंड में ऐसे कई लोग हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं रहते हैं, उसी प्रकार जिनके परिवार आज क्वारंटाइन से जूझ रहे हैं, और उन जैसे कि सेक्टर 4 में एक रूबिन नाम के परिवार है जिनके खुद को जो BSP कर्मचारी है वो ICU में भर्ती है, और साथ ही उनके माता जी और उनके बहन दोनों ही पॉजिटिव पाए गए हैं और दोनों ही बीमार चल रहे हैं, जिसके चलते जो खाना बनाने में असमर्थ है उन परिवारों को संस्था के माध्यम से अपनी क्षमता के अनुसार भोजन को उपलब्ध करवाया जा रहा है। और यह अभियान लॉकडाउन तक प्रयास किया जाएगा कि अपने माध्यम से इसको चलाते रहें, जिससे कि अब उन लोगों को परेशानी ना हो जो इस समय भोजन की व्यवस्था से जूझ रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ ने लॉकडाउन की वजह से असहाय और गरीबों को भोजन की व्यवस्था नहीं होने की खबर प्रमुखता से प्रसारित की थी। ये उसी का ही परिणाम है कि भिलाई दुर्ग के समाज सेवी गरीबों की सुध लेने लगे हैं और उनकी मदद भी कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। भिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया में कोविड टीकाकरण के लिए कम्युनिटी में काम करने वाले कर्मचारियों को कोविड का टीका लगवाने भिलाई नगर निगम ने कैंप लगाया। भिलाई नगर पालिक निगम क्षेत्र में 45 वर्ष एवं अधिक के सभी लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए भिलाई निगम हर स्तर से प्रयासरत है, जिसके लिए निगम आयुक्त स्वयं ऋतुराज रघुवंशी स्वयं टीकाकरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उद्देश्य है कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण हो। शुक्रवार को औद्योगिक क्षेत्र में कर्मचारियों को टीकाकरण करवाने के उद्देश्य से कैंप लगाया गया था। औद्योगिक क्षेत्र के भिलाई इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, बास्लो BK कॉस्टिंग, सायस्कोल इंडस्ट्री इत्यादि ने टीकाकरण के लिए कैंप लगाने का आग्रह किया था। क्षेत्र को चिन्हित करते हुए आज टीकाकरण का कैंप लगाया गया, जिसमें बास्लो BK कास्टिंग के CEO महेश कुमार भी मौजूद थे। इंडस्ट्री एरिया में कर्मचारी प्रायः कम्युनिटी में कार्य करते हैं, ऐसे में इन कर्मचारियों को टीकाकरण कराने के उद्देश्य से कैंप आयोजित किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में कर्मचारियों ने कोविड का टीका लगवाने में उत्सुकता दिखाते हुए टीका लगवाया। कोविड वैक्सीन लगाने के बाद कर्मचारियों ने अपनी सेल्फी भी ली और काफी खुश भी नजर आए। लॉकडाउन में शराब की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों की छावनी पुलिस ने घेराबंदी की, जिसमें से 1 आरोपी दोपहिया वाहन से कूदकर भागने में कामयाब रहा, तो वहीं दूसरे आरोपी को पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये संतोष सोनकर है, जो एक्टिवा में मध्य प्रदेश की 3 पेटी शराब ले जा रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि MG नगर गणेश मंच के पास संतोष और मनीष सोनकर एक्टिवा में अवैध रूप से शराब परिवहन कर बिक्री कर रहे हैं। पुलिस ने बिना विलंब किए घेराबंदी कर संतोष को पकड़ लिया।
मनीष गाड़ी से कूदकर भाग गया, जिसकी तलाश छावनी पुलिस कर रही है। फिलहाल पुलिस ने दारू की पेटियां और एक्टिवा को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दो लड़के हैं जो संतोष सोनकर उर्फ कालू और उसका भाई जो मनीष सोनकर है, जो कैंप एरिया के रहने वाले हैं, और एमजी नगर गणेश मंच के पास में वो लोग अपनी एक्टिवा से शराब वगैरह लेके उसको बेचने के फिराक में, तत्काल मौके पर पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी घेराबंदी की, जिसमें मनीष सोनकर उसका भाई जो वहाँ से भाग गया और एक्टिवा सहित संतोष सोनकर उर्फ कालू को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 3 पेटी गोवा शराब 144 पाव लगभग 25 लीटर के आसपास बरामद की गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ में संतोष और मनीष के खिलाफ में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और आरोपी को रिमांड पर भेजा जा रहा है और उसमें एक्टिवा इसकी जब्त की गई है। मामले की जाँच की जा रही है। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।